हेलो गाइस, वेलकम टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आप ही के साइकोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं। इस करंट स्टेज में आप क्या सोच रहे हो रेलवेज के बारे में, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें जो मुझे इनसाइड सिस्टम रह के पता चली है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी सबसे पहले जान लेते हैं कॉन्स के बारे में, या फिर इनमें बहुत से जो पॉइंट्स है ये आपकी थिंकिंग के रिलेटेड है, या फिर आपकी जो करंट साइकोलॉजी चल रही है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड आई होप ये पॉइंट जो है वो सभी को मैच होंगे, ठीक है। सभी जान सकेंगे कि यार यही मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों का डर भी है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हो गया वो है वैकेंसी रिमूव फ्रॉम ESC 2020। तो ये एक बहुत बुरी चीज़ हुई है, मतलब एग्ज़ाम के बाद ही वैकेंसीज़ को रिमूव कर दिया गया, तो बहुत से लोग यहीं नेगेटिव हो गए। ओके, बट जो लोग भी प्रीलिम्स क्लियर करेंगे उनको मैं यही बोल रहे वाला हूँ कि आपने अपने मेंस पे इंटरव्यू पे फोकस करना है, क्योंकि ठीक है रेलवेज़ के अलावा भी बहुत से अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपको एक रिस्पेक्टेबल जॉब मिलता है। तो प्लीज़ आप आपकी प्रीलिम्स के बाद जो मेंस हो रही है उनको सीरियसली दीजिए, इंटरव्यू को भी सीरियसली दीजिएगा। ओके, तो अभी आपके मन में एक्चुअली चल क्या रहा है दोस्तों, ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो शायद आप फेस कर रहे हो, ये आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। नया पैटर्न इंट्रोड्यूस होने वाला है। देखिए, अभी ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज का जो 2020 एग्ज़ाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो नोटिफिकेशन आने की वजह से उसमें कोई भी ऐसा लिखा नहीं है कि ESC की जो रेलवेज़ की वैकेंसी है वो भी आने वाली है, नहीं। तो इसका मतलब क्लियर है कि रेलवेज़ का जो एग्ज़ाम होगा वो सेपरेट होगा, राइट। चांसेस है कि रेलवेज़ का जो एग्ज़ाम है वो सेपरेट ही हो जाए। ओके, तो अभी इसमें आपको एक एम्बिग्विटी है अबाउट पेपर, कि पेपर पैटर्न क्या होगा, उसके बाद सिलेबस क्या होगा। यही एम्बिग्विटी में आपका जो मेंटालिटी है वो नेगेटिव होते जा रही है, ठीक है। बट आपको इससे बचना है, ये एक पर्टिकुलर पीरियड है जो आपको पॉजिटिवली बाहर निकालना है, सो दैट आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो पाओ, ठीक है। बहुत से लोग इसी में छोड़ देंगे प्रिपरेशन करना और फिर उनके जो भी कंसेप्ट डेवलप हुए थे वो निकल जाएंगे। देखिए यार, ये तो क्लियर है कि जो भी एग्ज़ाम होगा वो टेक्निकल बेसिस पे होगा, जैसे ESC का एग्ज़ाम होता है टेक्निकल होता है और थोड़ा सा नॉन टेक्निकल पार्ट भी होता है, जैसे जनरल साइंसेज आ गए तो टेक्निकल तो होने ही वाला है क्योंकि रिक्रूटमेंट ही इंजीनियर के लिए हो रही है। ओके, तो अपना जो टेक्निकल नॉलेज है इसको आप गलती से भी मत छोड़िए, आपका रिवीजन करते रहिए। आपको अगर थोड़े थोड़े ब्रेक लेने तो आप ले सकते हो, लेकिन आपका रिवीजन जो है वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। आपको फियर ऑफ सिलेबस होगा कि सिलेबस क्या हो सकता है, तो जैसे मैंने आपको बताया एग्ज़ाम जो है वो बेसिकली टेक्निकल लेवल पे होगा, नॉन टेक भी होगा। नॉन टेक का जब सिलेबस आ जाएगा या फिर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम देख लेंगे, लेकिन जो आपकी टेक्निकलिटीज़ सुपेरियॉरिटीज़ है उनको मत जाने देना। एग्ज़ाम डेट, ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि शायद चांसेस ये है कि पहला जो ये अभी एग्ज़ाम होगा वो फर्स्ट टाइम होने वाला है, तो चांसेस ये है कि एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आता है और एग्ज़ाम की जो डेट होती है उनमें बहुत कम गैप रहेगा। इसीलिए मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो भी रिवीजन चल रहा है वो उसको चलने दीजिए, क्योंकि तब आपको जो नॉन टेक पार्ट है वो करने में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद एक चांसेस हो सकते हैं कि जो कोचिंग क्लासेस है ये ब्लंडर क्रिएट कर दे, नई बैचेस बना दे, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दे, तो इन सब चीज़ों से बच के रहना। ओके, अच्छा, आपने देखिए यार, सभी लोग जो है वो एग्ज़ाम में नए हैं तो आपको बेनिफिट हो सकता है, अगर आप पुराने भी हो तो भी आपको बेनिफिट हो सकता है, नए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है। ऐसे केस में आप बेनिफिट टेस्ट सीरीज़ का ले सकते हो, अगर कोचिंग क्लासेस वाले थोड़ा रिसर्च करके क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बना रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन गलती से भी ये मत सोचना कि नहीं बैच ज्वाइन कर लेता हूँ वगैरह वगैरह, इतना टाइम नहीं हो रहा। आपने पहले से ही कहीं से कोचिंग करी है या फिर पहले से ही सब कुछ पढ़ रखा है तो आपको कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, टेस्ट सीरीज़ कर सकते हो, लेकिन इनके ब्लंडर में मत आना कि चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी, चीज़ें ये होंगी वो होंगी, नहीं। किसी को कुछ नहीं पता है कि एग्ज़ाम क्या होगा, जब नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों सब क्लियर हो जाएगा। ओके, देन टाइम लिमिटेड है, राइट, टाइम लिमिटेड होगा क्योंकि मैंने जैसे बोला कि नोटिफिकेशन एंड एग्ज़ाम इनमें जो गैप होगा वो कम होगा, राइट। तो अभी आप एक्चुअली कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो फ्री टाइम का। ओके, फ्री टाइम मतलब क्या है, यू हैव नथिंग टू डू, ओके, यू हैव नथिंग टू डू नाउ, गेट एग्ज़ाम हो चुका है, ESC भी हो चुका है। अगर किसी का दोनों एग्ज़ाम बुरे गए हैं तो आपको शायद कुछ डिप्रेशन फील हो रहा होगा या फिर थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, बट देखिए इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम और एक एग्ज़ाम का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों के बारे में इतना मत सोचिए। जो भी नेगेटिविटी फैली है इंजीनियरिंग सेक्टर में, चीज़ें प्राइवेट हो रही है, ओके, देन रेलवेज़ में भी थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन का सोच रहे वगैरह, ये सब रूमर्स है या फिर ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करने वाली। ओके, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से आप इन सब चीज़ों को सोचना बेसिकली बंद कीजिए और अपने प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है दोस्तों जो आप साइकोलॉजिकली फेस कर रहे हो और शायद इसी से आपको डिप्रेस फील हो, बट
देखिए जैसे मैंने बोला ये एक पर्टिकुलर फेज है, इस फेज को अगर आप क्लियर कर गए तो यही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस फेज को आप कैसे क्लियर करोगे, आपको आपका जो भी टेक्निकल सुपीरियरिटीज़ है या फिर आपका जो भी रिवीजन चल रहा है उसी को कंटिन्यू करना है। ओके, तो प्लीज़ आप इस फ्री टाइम में खुद को नेगेटिव मत करके लीजिए, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए और चीज़ों को पॉजिटिव वे के तरफ मूव करना स्टार्ट कीजिए। ओके, अभी इन सब मूव या फिर इन सब चीज़ों के वजह से क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले, या फिर अगर मैं एक थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच मेरे तरफ से आपको देना चाहूँ तो वो कैसे होगा, तो अभी देखते हैं कि व्हाट इज़ गुड। ओके, मतलब जो भी चीज़ें हुई है अब तक रेलवे स्पेसिफिक उसमें अच्छा क्या होने वाला है या फिर क्या हो सकता है, राइट। एक बात बता दूँ, ये जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है ये सब मेरा नॉलेज और जितने भी सीनियर्स से हमने बात की है, सीनियर्स मतलब जो ऑलरेडी रेलवेज में काम कर रहे हैं, उन सब के नॉलेज से या फिर उन सब ने जो भी चीज़ें हमसे शेयर की वो बता रहा हूँ दोस्तों। ये मैंने कहीं से उठाया नहीं है या फिर खुद के मन से तो कुछ नहीं लिखा है, जो भी है जो हमसे 10-20 साल सीनियर है, जितने भी ऑफिसर्स हमने सबसे बात की है पूरे फील्ड ट्रेनिंग में, बेसिकली हमारे जो कॉन्वर्सेशन हुए हैं विथ सीनियर मोस्ट ऑफिसर वो इसी दौरान हुए हैं और इसी टॉपिक्स पे भी हुए हैं, और ये सब चीज़ें जो उन्होंने हमें बताई है यही मैंने लिस्ट आउट की है। मैंने सोचा कि ये सब चीज़ें आपसे शेयर करनी चाहिए और इसीलिए ये वीडियो भी हमने बनाया है। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज़ 2 एग्ज़ाम। ओके, तो 2 एग्ज़ाम हो गए एक के जगह पे, पहला ESC होती थी, अभी ESC और रेलवेज होगी। तो देखिए ऑब्वियसली ये मैं नहीं बोल सकता इसमें वैकेंसीज बढ़ रही है वगैरह वगैरह, ये नहीं बोल सकता मैं, लेकिन आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। पहले आपके पास एक ही एग्ज़ाम था, उसका प्री क्लियर हुआ तो ही आप आगे जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। अभी अगर आपका ESC का प्री क्लियर भी नहीं होता है तो भी आपके पास रेलवे का तो एग्ज़ाम है, अगर आप रेलवे का नहीं क्लियर कर रहे तो भी आपके पास ESC तो है। तो 2 एग्ज़ाम्स होने की वजह से आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, ये एक पॉजिटिव अप्रोच है दोस्तों। अगर आप इसको भी नेगेटिवली लोगे तो आप छोड़ दो, फिर आपसे मतलब नेगेटिविटी में फंस चुके हो आप। ओके, एक पॉजिटिवली अगर हम सोचा जाए तो आप ये बोल सकते हो कि एक एग्ज़ाम का 2 करने की वजह से मेरी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, किसी एक में अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मैं दूसरे एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत करूँगा और उसको क्लियर कर दूँगा, राइट। देन इक्वल चांस फॉर टेक एज वेल एज नॉन टेक पोस्ट। अच्छी बात यह है कि जो नॉन टेक पोस्ट हुआ करती थी वो सब सिविल सर्विसेज से आती थी, अभी वो जो रेलवे का सेपरेट एग्ज़ाम होगा उससे ही आएंगी, तो आपके पास टेक नॉन टेक दोनों में अप्लाई करने के चांस हो गए, टेक में नहीं तो नॉन टेक में तो कहीं तो हो ही जाएगा आपके पास। नॉन टेक की भी जो वैकेंसीज है वो ऐड हो जाएंगी, तो रेलवेज़ की टोटल वैकेंसीज जो है वो ज़्यादा आने वाली है, ये तो क्लियर है। तो अगेन ये एक पॉजिटिव अप्रोच है चीज़ों को देखने का, राइट। न्यू एग्ज़ाम पैटर्न सो ऑल हाँ इक्वल, तो आप ये नहीं देख सकते कि मैं 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं जूनियर हूँ, या फिर कोई बंदा अगर 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहा है तो उसको ज़्यादा पता है, नहीं, सब लोग एग्ज़ाम में नए होंगे। तो अच्छी बात क्या होगी कि बेसिकली सबको ही एक तरह से जो पेपर आएगा वो नया होगा, इसमें अभी जो आप कंडीशन जो आप पेपर में एग्जैक्टली जो करोगे वहीं आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, ये नहीं डिसाइड करेगा कि कौन कितने साल से प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है और एक पॉजिटिव चीज़ है। अभी जो IRMs जो मूव हुआ है इसमें एक्चुअली आपको बेनिफिट्स क्या होंगे, राइट। अगेन मैं क्या हुआ है IRMs में वगैरह वगैरह ये फालतू चीज़ें डिस्कस नहीं करने वाला, मैं सिर्फ आपको बेनिफिट बता रहा हूँ। अगेन ये बेनिफिट जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, सब सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं उन्हीं से आ रहा है कि ये चेंजेस होने के चांसेस है। ओके, तो फर्स्ट विल बी गुड वर्क कल्चर, ऑब्वियसली थोड़ा सा कल्चर जो वर्क कल्चर है रेलवेज का वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा और प्रोफेशनलिज्म दिखने वाला है। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक आप अच्छा ऑब्वियसली वो सरकारी बाबू वाला जो मतलब चीज़ होती है जिसके वजह से लोग आते हैं रेलवेज में वो तो नहीं होगा, ठीक है। आपको आपके काम में परफेक्ट होना ज़रूरी है एंड ये अच्छी बात है अगर हम लोग अपने रेलवेज का बेनिफिट चाहते हैं या फिर देश का बेनिफिट चाहते हैं तो, ठीक है। तो प्रोफेशनलिज्म होगा आपके पास और इसी की वजह से गुड वर्क कल्चर होगा, राइट। आपके पास नॉलेज बेस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी जैसे होता है मैकेनिकल के प्रोफेशनल सिर्फ मैकेनिकल में ट्रेनिंग करते हैं, सिविल के सिविल में करते हैं और उनकी पोस्टिंग भी उसी में होती है, लेकिन जनरली इस मूव के बाद ऐसे नहीं होगा, आपकी जो पोस्टिंग्स है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होगी। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है वेरियस पोस्ट विल बी हैंडल्ड बाय यू, तो कभी आप 2 साल मैकेनिकल में, 2-3 साल किसी और ब्रांच में भी जा सकते हो, ट्रैफिक में हैंडल कर रहे हो आप, ऑपरेशन हैंडल कर रहे हो, ये भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या होने वाला है, आपको रेलवे का जो नॉलेज होगा वो कंप्लीट होगा, ऐसे नहीं कि मैकेनिकल वाले को पता नहीं है कि ट्रैफिक वाला क्या कर रहा है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, और इसके वजह से ऐसा है यार कि आप जॉब में जो वेरिएशन होता है इसके वजह से एक्चुअली मज़ा आता है। सोचो आप पिछले 10 साल से वहीं काम कर रहे हो, बहुत बोर होता है, यही 2 साल में आप एक काम कर रहे हो, 2 साल के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगी। हाँ, चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी लेकिन उसमें जो मज़ा है उसी की वजह से आप कभी बोर नहीं होंगे रेलवेज़ में,
ओके, तो ये एक बेनिफिट है दोस्तों IRMs का. ओके, सो यू विल बी नोइंग होल रेलवेज, आपको सब पता होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी. शायद ये डिफिकल्ट हो, लेकिन अच्छी बात क्या होगी, आपकी जो ट्रेनिंग होगी, 1.5 साल की ट्रेनिंग होगी या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकती है, वो उसी तरीके से आपको ग्रूम करने का ट्राई करेंगे कि आप किसी भी डिपार्टमेंट्स में जाओ तो आपके 100% एफिशिएंसी से वर्क करो. एट द एंड डिपार्टमेंट्स के जो भी गेम्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे. ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर वो ऐसा नहीं होगा कि यार मेरा डिपार्टमेंट का बंदा है तो मैं इसको प्रमोट करूंगा, बाकी लोगों को मैं इग्नोर करूंगा. नहीं, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसी को प्रमोशन मिलेगा, तो प्रमोशंस भी बढ़ेंगे, पे लेवल भी बढ़ जाएगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है. सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि न्यू ट्रेनिंग शेड्यूल, जो हमारा करंटली शेड्यूल चल रहा है, शायद इससे दूसरा शेड्यूल बने, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी. ठीक है, तो जैसे ही रेलवेज एग्ज़ाम कर देगा, सिलेक्ट कर लेगा लोगों को, वैसे ही नया ट्रेनिंग शेड्यूल भी इश्यू हो जाएगा, और उससे कैसे कैसे ट्रेनिंग देना है वो जारी कर देगा रेलवे. तो आपका नया ट्रेनिंग शेड्यूल बनेगा, जो एक अच्छी बात है. नया ट्रेनिंग शेड्यूल आपको सभी डिपार्टमेंट से उनके लिए ग्रूम कर देगा, राइट. एंड फास्टर प्रमोशन. फास्टर प्रमोशन क्यों? क्योंकि देखो, अभी ऐसा होता है जनरली, अगर हम मैकेनिकल में बात करें, तो अगर आप लेवल 10 पे हो, देन आपसे ऊपर वाली जो पोस्ट खाली होगी तभी आप उसमें जाओगे. तो मैकेनिकल से मैकेनिकल में ही प्रमोशन होता है. लेकिन IRMs की वजह से बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, कि अगर सिविल में पोस्ट खाली हो तो आपको वहाँ भेज देंगे. ओके, किसी और डिपार्टमेंट में पोस्ट खाली हो तो आपको वहाँ भेज देंगे. तो अच्छी बात क्या, आपके प्रमोशंस में बैरियर नहीं आ रहे, ऊपर वाले जो है वो आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, तो प्रमोशंस भी फास्ट होंगे. तो ये कुछ बेनिफिट्स है, अगर आप चीज़ों को पॉजिटिवली देखना चाहे तो. ओके, तो ये कुछ बेनिफिट्स है दोस्तों, जितने भी चीज़ें हुई है या फिर एग्ज़ाम का, जो भी एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम से दो हो गई है, तो इसमें आपके सिलेक्शन चांसेस बढ़ रहे हैं, आपको टेक नॉन टेक दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करने की एबिलिटी हो जाएगी. देन नया एग्ज़ाम पैटर्न है, तो सब लोग इक्वल हैं, एंड IRMs के बेनिफिट्स तो है ही. तो इस तरह से आप चीज़ों को अगर पॉजिटिवली लो, तो इस पीरियड को, ये जो पर्टिकुलर स्टेज आई है आपके लाइफ में, इसको आप सस्टेन कर सकते हो. आपका रिविजन कंटिन्यू कीजिए, आपको और कुछ नहीं चाहिए. ओके, सो एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑलवेज स्टे पॉजिटिव. सो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड डोंट लूज होप, बिकॉज यू डू नॉट नो कि वॉट टमोरो विल ब्रिंग. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. हमें फ्यूचर के बारे में नहीं पता है, तो अभी से बुरा बुरा सोच के क्यों करंट वाली ज़िंदगी ख़राब कर लेनी. ओके, तो प्लीज़ चीज़ों को पॉजिटिव रखो, अपना प्रिपरेशन करते रहो, एंड आपको कामयाबी मिलनी है. ओके, तो प्लीज़ जो भी हो रहा है, जो भी करंट सिनारियो चल रहा है, उसमें नेगेटिविटी मत लाना, पॉजिटिव होगा. ओके, और अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा. ओके, तो प्लीज़ डू नॉट लूज होप एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर.